नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्क टॉक पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक पजल गेम। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ इमोजीज दिख रही होंगी स्क्रीन में, हंसने वाली भी हैं, जीभ चिढ़ाने वाली भी हैं और ब्लशिंग वाली भी हैं। तो इन इमोजीज में से आपको ये आंसर पता लगाना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और फिर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आपको जितना समय लेना आप थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं। मैं आपको एक बार 10 सेकंड देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास 10 सेकंड है। नहीं आया जवाब। चलिए मैं ही इसको सॉल्व करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप ये पहले की शुरू की 3 इमोजीज देख रहे हैं, तो इनका जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वो 30 बन रहा है। तो यानी कि जो हंसने वाली या फिर ये जिसमें आंसू निकलने वाली जो इमोजीज है, इसके पॉइंट कितने हैं? 10। तो ये जो हंसने वाली, ये आंसू निकालने वाली जो इमोजीज है, इसके 10 पॉइंट हो गए। तो यानी कि ये 10 पॉइंट है। तो जब हम नीचे की इक्वेशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 20 है। तो यानी कि ये जो जीव निकालने वाली इमोजीज कितने पॉइंट की हो गई? 5 5 5 5 पॉइंट। अब फिर उसके नीचे वाली इक्वेशन में आओ, इसकी वैल्यू हमने कितनी लगाई ऊपर? 5। ठीक, अब यहाँ का ग्रैंड टोटल कितना है? 120। तो हम यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या आएगा कि ये 120 हो जाए? तो यहाँ की जब आप वैल्यू करोगे तो ये 20 आएगी। ब्लशिंग वाली इमोजीज की वैल्यू 20 आएगी। 5 × 20 100 + 20 120। अब हमारे पे सारी इमोजीज के आंसर हमें पता लग गए। ब्लशिंग वाली का 20 और जो आंसू वाली थी उसके हमने 10 निकाले थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना हो गया? 40। अगर आपने ये आंसर सही है आपका तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक एक हम फोटो और देखते हैं इसी तरीके की। देखिए, एक स्क्रीन में आपके पास और फोटो आ रही है। आप इसमें भी वीडियो चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं। 10 सेकेंड है आपके पास। तो चलिए दोस्तों, ये भी मैं ही सोल्व करता हूँ। देखिए, शुरू की जो पहली लाइन है इसमें 24 ग्रैंड टोटल है, तो इसकी वैल्यू तो जाहिर सी बात है कितनी हो गई? 8 हो गई। अब नीचे की जो वैल्यू है आपकी, ये हमने कितनी निकाली? 8। तो जाहिर सी बात है ये 16 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी मुर्गे की वैल्यू 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू हमने 2 निकाली और ये 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपने आप 12 हो जाएगी। अब नीचे की इक्वेशन हम कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमने 12 निकाली, इसकी वैल्यू हमने 8 निकाली थी, तो 12 8 20। और इनटू आपका ये मुर्गा, मुर्गे की वैल्यू थी 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 16 और 12 कितने हो गए? 28। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।